लौकी कमाल की, भिंडी के क्या कहने और पेड़ पर लदे नींबू देखकर जी खुश हो जाए। कानपुर के संदलपुर में नायाब खेती के नायक हैं बाबूलाल निषाद। कृषि की इस कथा के हीरो, किसान की मेहनत लहलहाती फसल बता देती है और इन खेतों में जहां भी निगाह डालेंगे खेती की सुनहरी छाप की हरियाली मन हरा भरा कर देगी। यूपी के कानपुर देहात में है संदलपुर और वही है फरीदपुर निटर्रा। निटर्रा की निखार अब दूर दराज तक दमकती है। अब इस भिंडी की किस्म को ही देख लीजिए, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनूठी। एपीएन की टीम ने आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके निषाद से बात की। मैं ग्लैडियोलस के साथ में सह फसली में लाल पत्ता गोभी, पीली फूल गोभी, बैंगनी फूल गोभी, ब्रोकली इनकी खेती सह फसली में करता हूँ। इससे मुझे लगभग 3-4 लाख रुपए पर एकड़ ग्लैडियोलस के फूल से खेती में मिल जाता है और इसी से लगभग जब हमारा केवल फूल 30 रुपए के मान लीजिए मिनिमम, तब हमारा जो है करीब 7-8 लाख रुपए का लाभ मिल जाता है फूल से, पत्ता फूल गोभी से। और इसी में हमें मेरी लागत मुश्किल से 50,000 आती है, इसमें शुद्ध मुनाफा मुझे मिलता है करीब 10-11 लाख रुपए में। संदलपुर में खेती से किस्मत सवरी तो प्रशासन भी बाग बाग है। संदलपुर की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे भी किसान बाबूलाल निषाद की कामयाबी के किस्से बताते नहीं अघाती। इसका क्रेडिट मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देती हैं और पीएम मोदी को भी थैंक यू कहना नहीं भूलती। देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि जनपद कानपुर देहात में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि कृषकों की आय को दोगुना करना और कृषक जो हमारे हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े, अपने आत्मनिर्भर बने और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में भी कृषि अपना योगदान दे, उसी के तहत हमारे जनपद कानपुर देहात के संदलपुर विकासखंड में फरीदपुर निटर्रा ग्राम पंचायत में बाबूलाल निषाद नाम के कृषक हैं और बहुत ही अग्रणी कृषक हैं। उनको खेत तालाब योजना से भी लाभान्वित किया गया है। उनके खेत में मैंने व्यक्तिगत रूप से विजिट भी किया था तो वहाँ पे जितनी भी तरह की सब्जियाँ हैं उसमें वो अत्याधिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेती बाड़ी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। जो उनकी लौकियाँ वो उगाते हैं वो रिकॉर्ड साइज की लौकियाँ उगाते हैं। धनिया पालक से लेकर लाल भिंडी का कमाल, खेती का ये मॉडल है वाकई बेमिसाल। रवि खरीफ धान्य फसलों के अलावा सब्जी की खेती अच्छी तरह से करते हैं। इसमें अगर वर्तमान में देखा जाए तो वह धनिया, पालक और मूली की खेती कर रहे हैं, लाल भिंडी की भी खेती करते हैं, लेकिन उनका मेन उद्देश्य यह होता है कि हम अधिक से अधिक लाभ इसमें प्राप्त करें। तो इसमें वो धनिया, मूली और पालक जो कि मार्केट में रेट भी अच्छा है, लाभ भी मिल रहा है, उसको लगा रहे हैं और मार्केट से अच्छा लाभ ले रहे हैं। किसान के लिए सबसे बड़ा इनाम सरकारी सराहना नहीं होती, उसका सीना तो तब गर्व से चौड़ा होता है जब खेतों में फसल लहलाती है और बाबूलाल निषाद इस पैमाने पर बन गए हैं सबके आदर्श। एपीएन के लिए कानपुर देहात से विशाल कुमार की रिपोर्ट।